एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने 1 जनवरी से 30 नवंबर तक की गई कार्रवाई का जारी किया आंकड़ा। अब तक करीब 3.5 लाख वाहनों का किया गया चालान, 4.5 करोड़ रुपए का लगाया गया जुर्माना। गोरखपुर में यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने दिखाई गंभीरता। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर जाकर एसपी ट्रैफिक ने निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का लिया जायजा। ट्रैफिक कर्मियों को मुस्तैदी से ड्यूटी करने का दिया निर्देश। योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 16 व 17 दिसंबर को 2 दिवसीय अखिल भारतीय मछुआ राष्ट्रीय अधिवेशन का किया जाएगा आयोजन। 26 राज्यों के निषाद समाज के मंत्री, सांसद, विधायक व अधिकारी होंगे शामिल। पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जनपद में कलेक्ट्रेट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर का चुनाव बुधवार को हुआ सकुशल संपन्न। कृष्ण दामोदर पाठक व अध्यक्ष लालमन चुने गए मंत्री, कहा अधिवक्ताओं के समस्याओं को हल करना ही होगी पहली प्राथमिकता। डीजी जोन अखिल कुमार की अध्यक्षता में गोरखपुर महोत्सव व खिचड़ी मेला की तैयारी बैठक हुआ सकुशल संपन्न। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के वनस्पति विज्ञान विभाग व चंद फाउंडेशन गोरखपुर द्वारा न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन एवं मानसिक स्वास्थ्य विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का किया गया आयोजन। छात्रों के दैनिक जीवन के खान पान पर की गई चर्चा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप रिनुआ ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चंद्रकांति रमावती देवी आर्या महिला पीजी कॉलेज तथा राजकीय बौद्ध संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नवागत पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र श्रीवास्तव ने कार्यभार किया ग्रहण, कहा भय मुक्त सर्किल बनाना रहेगी पहली प्राथमिकता। उत्तरी सर्कल के चिन्हित अपराधियों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई।